हेलो स्टूडेंट्स, तो इस सेशन में हम नाइन्थ नंबर चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स, नाइन्थ नंबर चैप्टर कॉमर्स मैथमेटिक्स फ्रॉम कॉमर्स पार्ट टू, ओके ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम यहाँ पे कई एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, वो भी प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ओके ये डेफिनेशन आप एट्थ और नाइन्थ स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 9.2, ओके एक्सरसाइज 9.2 विदाउट एक्सरसाइज 9.1 रिड्यूस लेवल से इस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर सारट परचेज अ लैपटॉप ऑफ 24,000 एंड सोल्ड इट फॉर 30,000, व्हाट वाज द प्रॉफिट इन परसेंटेज, ओके सो व्हाट वाज द प्रॉफिट इन परसेंटेज। मेन डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इज, प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है, सो व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट मीन्स दैट इज व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, दैट इज इन दैट केस देयर इज अ प्रॉफिट। सो देयरफॉर वेयर सरल परचेज ऑन लैपटॉप ऑफ 24,000, ओके 24,000 का लैपटॉप उन्होंने उसने परचेज किया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्राइस सीपी फर्स्ट प्राइस इज 24,000, गिवन क्या है कॉस्ट प्राइस इज 24,000 एंड सोल्ड इट फॉर 30,000, ओके सेलिंग प्राइस इन अरेंज 30,000, ओके सो एग्जांपल में गिवन 30,000, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज, ओके प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, ओके सो यहां पे अगर कॉस्ट प्राइस इज 24,000 और सेलिंग प्राइस इज 30,000 मींस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इन दैट केस देयर इज अ प्रॉफिट, सो देयरफॉर प्रॉफिट इन आरएस, ओके रुपीस में प्रॉफिट इन रुपीस, सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके जो उन्होंने सेल किया है 30,000 को और परचेज किया है 24,000, मींस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो सेलिंग प्राइस 30,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 24,000, तो प्रॉफिट हो रहा है यहां पे 6,000, प्रॉफिट इन रुपीस, प्रॉफिट इन रुपीस इज 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सो प्रॉफिट इन परसेंटेज में, सो देयरफॉर गेन और प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू, ओके प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, ओके इन आरएस मींस इन रुपीस में प्रॉफिट आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस 24,000 सॉरी सीपी प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ओके सो प्रॉफिट इन आरएस 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है 6,000 अपॉन इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस कितना है 24,000, उसने जो लैपटॉप परचेज किया है उसका जो रेट था वो 24,000, सो 24,000 तो अगर ये आप सॉल्व करें, ओके तो प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू 25%, यहाँ पे आंसर मिल रहा है आपको 25, ओके सो प्रॉफिट इन परसेंटेज 25%। सो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल सिंपल एग्जांपल है, इसमें जो लैपटॉप उसने परचेज किए उसका जो रेट है कॉस्ट प्राइस है 24,000 तो गिवन है सेलिंग प्राइस है 30,000, ओके 24,000 को उसने परचेज किया और 30,000 को सेल किया, तो प्रॉफिट इन परसेंटेज में फाइंड करना है, तो फर्स्ट आपको प्रॉफिट इन रुपीस पे कैलकुलेशन करना है, प्रॉफिट इन रुपीस एसपी माइनस सीपी, एसपी 30,000 माइनस 24,000, तो 6,000 इज प्रॉफिट इन रुपीस, सो देयरफॉर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज के लिए आपको तो प्रॉफिट इन रुपीस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ओके 24,000 इनटू 100 करना है, प्रॉफिट इन परसेंटेज 25% मिल रहा है। सो नेक्स्ट सेकंड नंबर एग्जांपल, सो नेक्स्ट सेकंड नंबर एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2, ओके
दिस सेकंड नंबर एग्जांपल. सो यहाँ पे दे श्रद्धा परचेज मोबाइल फोन एंड रेफ्रिजरेटर फॉर इन रुपीज 18,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली. ओके, तो श्रद्धा परचेज मोबाइल फोन इन 18,000 एंड रेफ्रिजरेटर इन 15,000 रिस्पेक्टिवली. शी सोल्ड रेफ्रिजरेटर एट 20% लॉस. ओके, उसने रेफ्रिजरेटर सेल किया 20% उसको उसमें लॉस हो गए एंड मोबाइल एट प्रॉफिट ऑफ 20%. ओके, सो देयर इज अ प्रॉफिट 20% इन सेलिंग ऑफ मोबाइल. सो व्हाट इज आवर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस. ओके, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज में वो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है. सो फर्स्ट जो गिवन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दिखना है श्रद्धा परचेज मोबाइल फोन एंड रेफ्रिजरेटर. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इज ओके सीपी ऑफ मोबाइल ओके 18,000 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 15,000. ओके, तो गिवन है एंड शी सोल्ड रेफ्रिजरेटर लॉस ऑफ 20% एंड 20% इन रेफ्रिजरेटर. ओके, लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर. ओके, उसे 20% लॉस हो गया है रेफ्रिजरेटर सेलिंग के ऊपर एंड प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग ऑफ मोबाइल. ओके, सो प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग ऑफ मोबाइल. मोबाइल सेल पे उसे 20% प्रॉफिट हुआ इन परसेंटेज में दिया है. सो व्हाट इज क्वेश्चन है, व्हाट इज हर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस. ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज में हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है. सो फर्स्ट मोबाइल का कैलकुलेशन करेंगे. सो फॉर मोबाइल ओके प्रॉफिट और लॉस फॉर फर्स्ट मोबाइल. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल सीपी इज इक्वल टू 18,000. ओके, एंड प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट टू सेलिंग ऑन मोबाइल इज 20%. ओके, सो 20% प्रॉफिट हो गया उसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट इन रुपीज फॉर मोबाइल हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है. तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू ओके सो प्रॉफिट इन रुपीज means RS into 100 and divided by CP. Okay, means profit percentage is equal to profit in rupees into 100 divided by CP cost price. So put given values profit in percentage कितना है यहाँ पे, so 20% and profit in rupees. Okay, calculate करना है profit in रुपीज इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 18,000. ओके, सो देयरफॉर प्रॉफिट इन आरएस इज इक्वल टू 20 × 18,000. ओके, जो डिनोमिनेटर इस साइड में अगर आ रहे 20 × 18,000 एंड 100 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100. सो देयरफॉर profit in RS is equal to the answer 18 × 3600. Okay, means 3600 profit in rupees for selling on mobile. Okay, 20% profit. Next second calculation करना है हमें. Second profit or loss for refrigerator. Okay, profit or loss for refrigerator. प्रॉफिट और लॉस हो गया रेफ्रिजरेटर के बारे में. सो फॉर रेफ्रिजरेटर
तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर सीपी इज इक्वल टू ओके कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 15,000 ओके कॉस्ट प्राइस 15,000 एंड लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स ओके रेफ्रिजरेटर सेल करने के बाद उसे 20% लॉस हुआ है तो लॉस इन परसेंटेज इक्वल टू 20% लॉस ओके तो सो फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस इन रुपीस ओके तो सेल फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस इन परसेंटेज इक्वल टू लॉस इन आरएस लॉस इन रुपीस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 15,000 इनटू 100 ओके तो लॉस इन परसेंटेज तो 20% लॉस इन आरएस इन कैलकुलेशन करना है हमें लॉस इन रुपीस इनटू 100 एज इट इज एंड 15,000 सो देयरफॉर लॉस इन रुपीस ओके तो 20 into 15,000 डिवाइडेड बाय 100 तो कैंसिल हो रहा है देयरफॉर 15 into 230 मीन 3,000 लॉस इन आरएस ओके सो रेफ्रिजरेटर सेल होने के बाद सो 3,000 का लॉस हो रहा है इन रुपीस 3,000 और मोबाइल सेल के बाद 3,600 रुपीस प्रॉफिट हो रहा है सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेट ओवरऑल नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ओके नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इन मोबाइल माइनस लॉस इन रेफ्रिजरेटर ओके तो 600 तो नेट प्रॉफिट दोनों सेलिंग के बाद मोबाइल और रेफ्रिजरेटर सेल के बाद नेट प्रॉफिट 600 वहां पे प्रॉफिट हो तो नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज थर्ड एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3 व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट 9,600 एट द रेट ऑफ 6% पर एनुअल आफ्टर 3 इयर्स ओके तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड में हो गया है इसलिए यहां पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो एग्जांपल में व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 9,600 ओके जो अमाउंट है 9,600 दैट इज अ गिवन प्रिंसिपल अमाउंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल सो पी इज इक्वल टू 9,600 ओके प्रिंसिपल अमाउंट 9,600 एट द रेट ऑफ 6,000 ओके मींस स्मॉल आर इक्वल टू 6% एट द रेट ऑफ 6% पर एनुअल आफ्टर 3 इयर्स ओके द टेन्योर है वो 3 इयर्स है देयरफॉर स्मॉल एल इज इक्वल टू 3 इयर्स ओके देयरफॉर वी हैव फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी इनटू एन इनटू आर अपॉन 100 ओके पी एन आर अपॉन 100 तो ये फार्मूला आपको ऑलरेडी फेमिलियर है ये तो नेक्स्ट चैप्टर में आपने स्टडी किया है आई मींस सिंपल इंटरेस्ट पी मींस प्रिंसिपल अमाउंट एन मींस टेन्योर ओके नंबर ऑफ इयर्स एंड आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फर्स्ट पी 9,600 इनटू एन 3 इयर्स आर मींस 6% डिवाइडेड बाय 100 तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू ओके आफ्टर सॉल्व दिस एग्जांपल वी गेट सिंपल इंटरेस्ट 1425 ओके देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट आंसर व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ओके देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1425 दिस इज द आंसर सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला
okay, where I is equal to simple interest and P is equal to principal, L is equal to, okay, tenure or L is equal to number of years or internship tenure and rate of interest. Okay, annual rate of interest annual rate of interest R. Okay, next second number example from exercise 9.3, page number 130. What would be the simple interest at the rate of 9.5% per annual 6,000, okay, per annual on the amount of 6,000 for 2.5 years. Okay, what would be the simple interest at the rate of, so given yahan pe dikh raha hu, so R is equal to 9.5 years, okay, sorry, at the rate of interest 9.5%, okay, 9.5% rate of interest and principal amount P is equal to rupees 6,000, principal amount 6,000 and for 2.5 years, so small n is equal to 2.5 years, okay, number of years for tenure. So for simple interest I is equal to P into N into R upon 100, okay, this is the formula of simple interest, P into N into R. So therefore P principal 6,000 into tenure, number of years 2.5 years, okay, so 2.5 years हम लिख सकते हैं 5/2 years, okay, 2.5 years is 5/2 years, 2.5 means 5/2, so into rate of interest 9.5 years, 9.5 years means 18/2, 19/2, okay, 19/2 divided by 100, 9.5 years means 90/2 years, okay, rate of interest. अगर आप कैलकुलेशन करें तो 60 × 5 × 9/2 × 2 = 4, ओके, 4 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 15 × 5 × 9, सो आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ओके, सो आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1425, ओके, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 6000 एट अ रेट ऑफ 9.5% and for 2.5 years, okay. So next जो third example यहाँ पे हम solve करेंगे, तो वो depend करता है compound interest पे, okay. Next compound interest, तो compound interest का formula यहाँ पे दिया है, ये A means amount is equal to principal, okay, total amount, okay, तो principal, total amount means principal plus interest. So A is equal to, so P into 1 plus R by 100 raised to L. R means rate of interest, L means tenure or number of years. So this may first case for that, first or second case. First case mein, when component half yearly, if interest ka half yearly compounding kar rahe, then in this case mein, capital R is equal to R by 2. So the rate of interest annually jo rate of interest hai, usko divide kar rahe by 2 se, and the number of years tenure hai wo 2 times करना है, 2 into n, so therefore formula वहाँ पे बन रहा है, a is equal to p into 1 plus जो rate of interest annually था उसे हम divide by 2 करें, r by 2 and divided by 100 as it is and number of years, okay, annual rate of interest r है और अगर n is number of years तो उसे हमें 2 times 2n करना है, 2n से, so same case second case में when interest component quarterly, अगर 3 मंथ के बाद अगर इंटरेस्ट जो है कंपाउंड हो रहा है, उस केस में कैपिटल आर इज इक्वल टू आर बाय 4, एनुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे डिवाइड बाय 4 करना है, एनुअली अगर 12% इंटरेस्ट है तो उसे
थ्री मंथ के लिए डिवाइड बाय फोर, सो 12 डिवाइड बाय फोर मींस 3%, आर बाय फोर करना है, सो नंबर ऑफ इयर्स टेन्योर वो फोर टाइम्स, ओके, फोर इनटू स्मॉल एन जो दो है, सो फॉर्मूला फॉर दैट कंपाउंडेड क्वार्टर इज ए इक्वल टू पी इनटू 1 प्लस आर बाय फोर अपॉन 100 इज टू 4 इनटू एन. तो थर्ड नंबर एग्जांपल यहां पे हम सॉल्व करेंगे. तो एक्सरसाइज 9.3 में से व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4200 फॉर 18 मंथ एट 10% पर एनुअल कंपाउंडेड हाफ ईयरली. यहां पे जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फर्स्ट अमाउंट हम यहां पे गिवन लिखेंगे. थर्ड नंबर एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3, सो गिवन है तो प्रिंसिपल इज 4200, सो गिवन इज इक्वल टू 4200 गिवन फॉर 18 मंथ्स. ओके, तो 18 मंथ्स मींस n इज इक्वल टू 18 मंथ्स 1 एंड हाफ ईयर. अब क्लियरली 18 मंथ्स मींस 1 एंड हाफ ईयर आप क्लियर कर सकते हैं. 10% पर एनुअल, सो स्मॉल r रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनुअल. तो एक गिवन है टोटल एग्जांपल में प्रिंसिपल अमाउंट 4200, नंबर ऑफ इयर्स 1 एंड हाफ इयर्स, 18 मंथ मींस 1 एंड हाफ इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअल, सो कंपाउंडेड हाफ ईयर. तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे फाइंड करना, व्हाट इज व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयर कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयर लेट कंपाउंडेड. सो फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्रेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 2, सो देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू आर अपॉन 2. आर अपॉन 2 मींस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5%. ओके, 6 मंथ के लिए 5% एंड कैपिटल एन इज इक्वल टू 2 इनटू एन, सो 2 इनटू 1 एंड हाफ means यहाँ पे हो रहा है 3 years. okay, 2 into n means 2 into 1 and half years, 2 into 1 and half years means 3 years. okay, so using this formula a is equal to p, okay, 4200 into bracket 1 plus r by 2, r by 2 calculate के 5% divided by 100 raised to 2n, so 2n means 3 years. Okay, cube 1 plus 1 upon 20 cube. Okay, so therefore 4200 into 21 upon 20 raised to 3. Okay, next therefore amount we have it total a is equal to 4861.92. okay, so total amount 4861.92 rupees. So compound interest I is equal to I amount minus principal, जो amount मिला है 4861.92 minus principal amount 4200, subtract करना 4200, तो that is near approximately 662. okay, 662 is compound interest, okay, for 1.5 year. okay, so this is a simple examples depends on interest. First two examples depends on profit and loss. Second जो यहाँ पे three examples है उसके जो दो examples है 9.3 exercise में से, तो depends on simple interest I is equal to P N R upon 100 और ये last वाला जो example है वो depend कर रहा है compound interest पे. A is equal to amount is equal to P into 1 plus R by 100 raised to N. okay, thank you.